Hello students, welcome to my YouTube channel. Let's start learning video and the topic of today video is a crystal cannot have five-fold rotational symmetry. Topic is crystal cannot have five-fold सिमिट्री. जब हमने रोटेशनल सिमिट्री पढ़ी तब मैंने बताया था कि जो n की वैल्यू थी वहाँ पे, जो n आ रहा था उसकी वैल्यू कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 6 ऐसे थी, है ना. उसके बाद 7 भी नहीं थी. तो अब हम करेंगे कि जो क्रिस्टल है उसके अंदर क्या नहीं होती, फाइव फोल्ड सिमिट्री एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लेटिस लेंगे, ठीक है. हमने क्या लिए, कोई भी टू डायमेंशनल लेटिस ट्रॉकी, ठीक है. ये जो आपस, ये देखो कोई पॉइंट डाल रहते हैं ए बी सी और डी, ये जो पॉइंट्स है लेटिस पॉइंट है आपस में किससे कनेक्ट हैं, ये ट्रांसलेशन वेक्टर टी से. यहाँ पे हम ट्रांसलेशन वेक्टर स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कर रहे हैं, वैसे यूजुअली कैपिटल टी से किया जाता है, ठीक है. ये भी किससे कनेक्ट है, वही टी से, ठीक है. ये भी किससे कनेक्ट है, वही टी से, ठीक है. अब हमें क्या निकालना है कि इसके अंदर क्या एग्जिस्ट नहीं करती, फाइव फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती. तो पहले हम फिगर को देख लेते हैं उसके बाद डेरिवेशन करेंगे. देखो अब हम क्या करेंगे कि देखो ये जो बी पॉइंट है, ठीक है, ये मान लो आप ऐसे फिगर बना लो कुछ, ठीक है. टू डायमेंशन के लिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है. ये जो आपका, जो आपका बी पॉइंट है, ये ओरिजिन से जो है, ये जो आपका बी पॉइंट है ये ओरिजिन से जो सिचुएटेड है, पोजीशन वेक्टर जो है इसका वो है आपका आर वन, ठीक है. इसका पोजीशन वेक्टर किस पोजीशन क्या है, आर वन. और जो आपका सी पॉइंट है वो उसका पोजीशन वेक्टर है आपका आर टू, ठीक है. ये पोजीशन वेक्टर है आपका आर टू, ठीक है. अब आपने क्या किया, इस यहाँ से आपने इस लैटिस को क्या करवा दिया, रोटेट कर दिया अबाउट एन एंगल फाइव. किस एंगल से रोटेट करवा दिया आपने, फाइव एंगल से, ठीक है. आपने क्या किया, फाइव एंगल से इसको रोटेट करवा दिया. तो फाइव एंगल से जब आपने इसको रोटेट करवाया तो ये जो पॉइंट था, ठीक है, और किस डायरेक्शन में करवाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है. तो ये पॉइंट मान लो कुछ यहाँ पे पूछ गया, ठीक है. किस एंगल से रोटेट करवाया है, ये एंगल ऑफ रोटेशन कितना है आपका फाइव, ठीक है. किस एंगल से रोटेट करवाया, फाइव. इसी तरह से सी पॉइंट को, इसको क्लॉकवाइज करवाया तो इसको एंटी, कैसे भी करवा दो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज किसने एंगल से करवाया, इसको भी फाइव एंगल से. मान लो ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल क्या है, ये भी फाइव एंगल से आपने इसको रोटेट करवाया, ठीक है. अब इस बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो सीधा, ठीक है. सी पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर इनको ऐसे मीट करवा दो, ये कोई और पॉइंट आ गए, ठीक है. ये मान लो आपका पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर है और ये एस है, ठीक है. ये भी फाइव एंगल से रोटेट करवाया है, ठीक है. अब जो है आपका ओरिजिन, ये ओ था, ओरिजिन से जो पी पॉइंट है वो किस पोजिशन वेक्टर से, क्योंकि बी को करवाया तो ये आर वन डैश हो जाएगा ओरिजिन से, और कौन सा ये पॉइंट, कौन सा एस पॉइंट आया यहाँ पे, तो ये किस से हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर टू डैश से. वो इसमें नहीं बना रहे तो जरूरत नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है. अब अगर ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, फाई. ये एंगल अगर फाई है तो ये भी कितना होगा आपका, फाई, ठीक है. ये कितने डिग्री का है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ये दोनों, तो क्या है ये दोनों 90 डिग्री, ठीक है. ये अगर टी से कनेक्टेड है तो क्यू और आर के, ये भी कितनी होगी आपकी टी होगी, ठीक है. Q और R भी कितनी होगी, T होगी. और P से ये जो आपके कनेक्टेड है B, ये भी T है, ठीक है. S और C ये भी कितनी है, T. ट्रांसलेशन वेक्टर से ही कनेक्टेड है सारे. अब आपको क्या नहीं पता, आपको एक तो PQ नहीं पता और एक क्या नहीं पता, RS नहीं पता. तो हम क्या करेंगे, एक ये ट्राइंगल
एक ये ट्राइंगल, दोनों से क्या निकाल लेंगे, पी के ओवर आर एस। ठीक है, उससे पहले लिखते हैं हमने क्या किया है वो चीज़ें। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सपोज किया, सपोज क्या लिया है आपने, बी सी। बी सी किसके इक्वल लिया है आपने, टी के इक्वल। बी एक ट्रांसलेशन वेक्टर, क्या लिया आपने, एक ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, एंड और क्या लिया आपने, ओ ए। ठीक है, किसके इक्वल लिया, आर वन पोजिशन वैक्टर। एंड और क्या लिया, ओ से सी, किसके इक्वल लिया, आर टू। ओ ए एंड ओ सी क्या हो गए आपके, टू लेटिस वैक्टर, टू लेटिस वैक्टर। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, कनेक्टिंग द ओरिजन, कनेक्टिंग द ओरिजन कहाँ से, टू ए, किसको कनेक्ट कर रहे हैं, सॉरी ओ ए नहीं था, ये ओ बी था, टू बी एंड सी। ठीक है, हो गया। अब देखो आपने क्या किया, आपने क्या किया, इस बी पॉइंट को या पोजीशन वेक्टर आर वन को आपने क्या करवा दिया, इसको रोटेट करवा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय एन एंगल फाई। ठीक है, तो फाई क्या है आपका, एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, हमने क्या किया, कंसिडर ए काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, क्या किया, कंसिडर किया ए काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन, रोटेशन फाइ, किसका रोटेशन फाइ ऑफ, किस ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ टी अबाउट बी, बी के अराउंड अबाउट किया। फिर क्या किया आपने, एंटी क्लॉकवाइज किया, किसके अराउंड, सी के अराउंड। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालनी है, फाइव फोल्ड में ट्रेड नहीं करती। अब हम क्या मान लेते हैं कि जो ये आपकी जो लेटिस है इसमें क्या है, जनरल लेके चलते हैं कि एन फोल्ड सिमेट्री ऑफ रोटेशन है। ठीक है, क्या लेके चले कि इसमें क्या है, एन फोल्ड सिमेट्री ऑफ रोटेशन है। फिर बाद में हम दिखा देंगे कि एन की वैल्यू वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री फोर सिक्स, ठीक है, फाइव नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो फिर आपने क्या चूज किया, अब लिख दो जो जो आपने क्या लिया है, ए बी कितना है आपका टी। ठीक है, बी सी भी कितनी वैल्यू है, इनका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, टी। आपका क्यू आर भी कितना है, टी के इक्वल है। पी बी भी टी के इक्वल है। सी एस भी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। ठीक है, अब ये जो है ये क्या बनी आपकी, एक क्वाड्रिलेटरल, और कौन सी है, ट्रेपेजियम। ठीक है, और ट्रेपेजियम है तो इसका मतलब, ट्रेपेजियम में क्या होती है, ये दोनों क्या है, पैरेलल। इसका मतलब पी एस और क्या है आपकी बी सी, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब देखो कौन सी वाली, ये वाली क्या है, बड़ी साइज है, और ये क्या है, छोटी। इसका मतलब ये जो पी एस है ये समथिंग मल्टीपल होगी इसी टी का। ठीक है, इसका मतलब आपकी पी एस क्या होगी, समथिंग मल्टीपल होगी किसका, इस बी सी का। तो क्या कर लेते हैं, द क्वाड्रिलेटरल क्या है आपकी, पी एस, पी एस सी बी इज ए ट्रेपीजियम। ये क्या है आपके, एक ट्रेपीजियम विद, जिसमें क्या है, पी एस इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो इसका मतलब सो आपका पी एस क्या हो जाएगा, पी एस इज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा किसका, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ट्रांसलेशन वेक्टर, ऑफ ट्रांसलेशन वेक्टर टी। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गई, पी एस इज इक्वल टू, इसके इक्वल हो गई समथिंग इंटीग्रल मल्टीपल, मान लिया एम, और किसका, इस टी का। ठीक है, पी एस कंप्लीट क्या हो गई, ये जो पी एस है ये इंटीग्रल हो गई इसका। ठीक है, जहाँ पे वेयर एम क्या है आपका, एम इज एन इंटीजर। ठीक है, एम क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है ना, अब देखो क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो अब आगे क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, इसी फिगर को लेके चलते हैं। ठीक है, अब पहले हम ये निकालते हैं, पी क्यू निकालते हैं और आर एस। तो पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन सी वाले ट्राइंगल ले रहे हैं, पी क्यू बी, पी क्यू बी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आपका कोस ऑफ फाई, आपका जो एंगल होगा कोस फाई, कोस कैसे निकालते हो आप,
cos निकालना है, वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो इस ट्राइंगल में बेस क्या है आपका पी क्यू और हाइपोटेन्यूज क्या है पी बी, दैट इज पी क्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा पी बी। तो यहाँ से आपका आपको निकालना क्या है पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी कोस फाइव, और पी बी अभी पता है टी, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई टी कोस फाइव, ठीक है एक हो गया। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब दूसरी ट्राइंगल क्या है आर एस सी, इसमें भी कोस फाइव एंगल जो होगा वो क्या होगा आपका आर एस डिवाइडेड बाय फिर से क्या है देखो हाइपोटेन्यूज क्या है एस सी या सी एस, ठीक है तो कोस फाइव क्या हो गया या सी एस इज इक्वल टू आर एस, सी एस कोस फाइव इज इक्वल टू आर एस, तो आर एस की वैल्यू क्या आ गई क्योंकि आपको आर एस ही चाहिए था ना, ठीक है तो आर एस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास सी एस की वैल्यू इज इक्वल टू टी कोस फाइव, तो ये दोनों चीज़ें निकल गई। अब देखो टोटल पी एस कैसे निकालोगे, पी एस किस किस का सम होगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, यही होगा ना पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा सॉरी पी एस इज इक्वल टू क्या होगा पी एस इज इक्वल टू क्या होगा आपका पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस। पी क्यू वो भी निकाला है टी कोस फाइव, क्यू आर कितना है टी, ये भी निकाला है कितना टी कोस फाइव, और ये किसके इक्वल था एम ओ टी, इंटीग्रल मल्टीपल था। यहाँ से देखो एम टी इज इक्वल टू क्या हो गया टी प्लस टू टी कोस फाइव, तो यहाँ से आपका एंगल निकाल लो आप कोस फाइव निकाल लो, ठीक है तो क्या हो जाएगा एम टी माइनस टी इज इक्वल टू टू टी कोस ऑफ फाइव, यहाँ से टी कॉमन लोगे तो एम माइनस वन टू टी कोस फाइव, टी से टी कैंसिल, तो कोस फाइव की वैल्यू क्या आ गई आपकी एम माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, और एम क्या है आपका कोई भी इंटीजर है, ठीक है एम माइनस वन को कोई एक और इंटीजर नाम दे दैट इज एन बाई, ठीक है इस वजह से लिख दिया। अब देखो जहाँ पे वेयर, अब आपकी n की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, देखो आपको पता है cos 5 कहाँ से किससे किसके बीच जो बाउंडेड होता है माइनस वन टू प्लस वन होती है cos 5 की वैल्यू, ठीक है तो इसका मतलब अगर cos 5 की वैल्यू क्या है माइनस वन टू प्लस वन, तो इधर किसके इक्वल है n बाई टू, इसका मतलब आपकी जो n की वैल्यू है वो बाउंडेड हो गई माइनस टू से और प्लस टू के बीच में, हो गई ना कि माइनस वन और प्लस वन के बीच में, तो n की वैल्यू क्या हो गई माइनस टू से प्लस टू के बीच में, ठीक है यहाँ पे अपने एक लाइन लिखी एक लिख लेते हैं क्या ले लेते हैं कि आपने क्या लिया कंसीडर कर लिया यहाँ पे यहीं पे बीच में कंसीडर द लैटिस हैज एन फोल्ड सिमेट्री, एन फोल्ड सिमेट्री, ठीक है तो अगर एन फोल्ड सिमेट्री है तो आप क्या लिख सकते हो कुछ ऐसा लिख सकते हो ना फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू पाई बाई एन, क्योंकि ये लिखते थे ना एन फाई इज इक्वल टू टू पाई, तो फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू पाई बाई एन, ठीक है। अब यहाँ से हम टेबल बनाते हैं इससे इस वाली चीज से और एक इससे टेबल निकालते हैं, देखो इधर क्या लिखते हैं एंगल लिखते हैं, तो पहले कैपिटल एन लिखते हैं, इधर कोस फाइव लिखते हैं, इधर आपका फाइव और इधर क्या निकालते हैं आपका एन, एन क्या होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई फाइव, मतलब ये यहाँ से पता चलेगा रोटेशंस कौन कौन से एग्जिस्ट करेगी, देखो एन की वैल्यू क्या की आपने माइनस टू से प्लस टू, माइनस वन टू माइनस वन जीरो प्लस वन और प्लस टू। अब देखो कोस फाई क्या होगा जब आपने एन की वैल्यू को क्या रखा माइनस टू रखा, देखो यहाँ से ये वाली ये ऐसे लिख लो यहाँ पे कोस फाई इज इक्वल टू क्या है एन बाई टू, जब आपने एन की वैल्यू माइनस टू रखी माइनस टू अपॉन टू माइनस का वन, तो कोस फाई की वैल्यू क्या आई माइनस वन। अब कोस फाई माइनस वन कितने पे होता है जब फाई कितना हो एंगल आपका कितना हो 180 डिग्री, कोस 180 कितना होता है माइनस वन, ठीक है। दूसरा देखो पहले माइनस वन रखो एन की जगह, माइनस वन रखा तो कोस फाई की वैल्यू माइनस वन बाई टू, एन की जगह जीरो रखा जीरो अपॉन समथिंग जीरो, एन की जगह वन रखा तो वन बाई टू, एन की जगह टू रखा टू बाई टू दैट इज वन, हो गया। अब देखो कोस फाई की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस वन बाई टू, तो दैट इज किस पे होता है फाई की वैल्यू क्या हो जब आपकी 120, कोस 120 किसके इक्वल होता है माइनस वन बाई टू के। अब जीरो, जीरो किस पे होता है 90 पे, वन बाई टू किस पे होता है 60 पे, और वन किस पे होता है जीरो पे भी होता है और 360 डिग्री पे भी होता है, ठीक है। अब एंगल्स तो आ गए, अब आपको उसमें
क्या देखनी है, रोटेशन देखनी है। ठीक है, अब देखो एन की वैल्यू 360/5 होते हैं, तो देखो 360/5 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 180, डिवाइड करोगे तो एन की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2। यहाँ पे देखो 360/120, तो एन की वैल्यू कितनी आई 3। 360/90 एन की वैल्यू कितनी आई 4। 360/60 एन की वैल्यू कितनी आई 6। और एक बार ज़ीरो करोगे और एक बार क्या करोगे 360/360 1। ठीक है, तो ज़ीरो वाली तो हटा दो, क्या रखो 360/360 1। एन की वैल्यू आपकी क्या क्या आई, 2 आई 3 आई 4 आई 6 आई और 1 आई। तो मतलब आपकी एन की वैल्यू आई 1 2 3 4 और 6। क्या नहीं आई आपकी एन इज इक्वल टू 5 नहीं आई। इसका मतलब क्रिस्टल में, लेटिस में या क्रिस्टल में क्या नहीं होती आपकी 5-fold सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, 5-fold रोटेशन एक्सिस या 5-fold सिमेट्री एक्सिस नहीं करती। ठीक है, लिखोगे फ्रॉम टेबल, ठीक है, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियरली शोन दैट एन इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स 5-fold symmetry डो नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट किसमें, इन केस ऑफ अ क्रिस्टल। ठीक है, इन क्रिस्टल 5-fold symmetry क्या नहीं करती आपकी, एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ओके, क्यों नहीं करती, क्योंकि इसमें क्या होते हैं आपके, जब